हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत के ग्लेशियर्स के बारे में। भारत के ग्लेशियर्स किस राज्य में हैं, कौन कौन से ग्लेशियर हैं, कितने राज्यों में फैले हुए हैं, तो ये मैच करने को आता है कि कौन सा ग्लेशियर किस राज्य में पाया जाता है और किस क्रम में ये पाया जाता है और किस ग्लेशियर से कौन सी नदी निकल रही है। तो ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। भारत के ग्लेशियर वीडियो का जो इंट्रो है वो इस प्रकार से है। देखिए, भारत का जो ग्लेशियर है वो अमूमन हिमालय और ट्रांस हिमालय की जो पर्वत हैं जो कि 12 महीने बर्फ से घिरे होते हैं। और ग्लेशियर तभी बनेगा कि जहाँ पर 12 महीने बर्फ जमी रहेगी। और ग्लेशियर का जो हिंदी में अर्थ होता है उसका अर्थ होता है हिमनद, यानी बर्फ वाली नदी। तो बर्फ की नदी तभी मिलेगी जब आपको 12 महीना वहाँ पे बर्फ मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर रीजन से। देखिए, आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर को दो पार्टों में बांट के दो केंद्र शासित राज्य बनाए गए हैं। एक को बोलते हैं जम्मू एंड कश्मीर और दूसरे को बोलते हैं लद्दाख। तो ये जो एरिया है ये है बाल्टिस्तान, गिलगित और बाल्टिस्तान का एरिया है। ये पीओके में है, अभी भी पाक अधिकृत कश्मीर में है, पीओके में है। पाकिस्तान ने इसको जबरदस्ती अधिकृत कर रखा है। इसमें बहुत सारे ग्लेशियर आपको मिलेंगे। उसके बाद सबसे पहले ऊपर से इसी रीजन के ग्लेशियर हम देख लेते हैं। तो सबसे नॉर्थ में है हिस्पार। कौन सा ग्लेशियर है? हिस्पार ग्लेशियर है। यह काराकोरम श्रेणी में है। किस श्रेणी में है? काराकोरम श्रेणी में है। देखिए, यह हिमालय श्रेणी हो गई। हिमालय से आगे और बढ़ेंगे तो आपको जास्कर श्रेणी मिलेगी, जास्कर से आगे बढ़ेंगे तो आपको लद्दाख श्रेणी मिलेगी, और सबसे नॉर्थ में आपको कौन सी श्रेणी मिलेगी? काराकोरम श्रेणी। तो जो हिस्पार ये जो ग्लेशियर है वो कहाँ पर है? गिलगित और बाल्टिस्तान एरिया में है, काराकोरम श्रेणी में है। फिर आपको मिलेगा, नीचे आप आएंगे तो ये वाला है बियाफो। ये है बियाफो ग्लेशियर। ये भी बियाफो जो है वो काराकोरम और बाल्टिस्तान रीजन में है। तो सबसे ऊपर हिस्पार, फिर उसके नीचे बियाफो। हिस्पार की एक और बात, खास बात है, यहाँ से हिस्पार नदी निकलती है। ये हिस्पार नदी का स्रोत है। और हिस्पार नदी किसकी सहायक है? ये जो गिलगित नदी आ रही है, ये वाली जो नदी है ये गिलगित नदी है और यहाँ से निकलती है हिस्पार नदी। तो ये हिस्पार नदी जो है वो गिलगित नदी में मिल जाती है और गिलगित नदी जो है आगे सिंधु नदी मिल जाती है। देखिए, सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी यहाँ से निकलती है, कैलाश मानसरोवर तिब्बत से निकलती है। तो इस तरह से आगे निकल जाती है। तो गिलगित की जो सहायक नदी है वो हिस्पार नदी है, और गिलगित किसकी सहायक है? वो है सिंधु नदी की सहायक। उसके बाद बियाफो जो है काराकोरम में है। उसके बाद बाल्टोरो जो है ये भी आपको इसी रीजन में मिलेगा, गिलगित और बाल्टिस्तान में। और किस श्रेणी में है? ये पूरी तरह से काराकोरम श्रेणी में मिलेगा। उसके बाद आपको नंबर तीन पे ससाइन ग्लेशियर है, ये भी काराकोरम रेंज में है। ससाइन ग्लेशियर काराकोरम रेंज में। उसके बाद ये है आपका सियाचिन ग्लेशियर पूरी तरह से भारत के कब्जे में है। और यह विश्व का दूसरा सबसे लंबा और भारत का सबसे लंबा यानी सबसे बड़ा ग्लेशियर है। विश्व का दूसरा सबसे, तो जब विश्व का दूसरा है तो विश्व का पहला कौन सा है? विश्व का पहला है वो है ताजिकिस्तान में स्थित है। नाम है फेंद चेंको। यह विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ताजिकिस्तान में है। बड़ा इसलिए ध्रुवी क्षेत्रों को छोड़ के, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल को छोड़ के, इसके अतिरिक्त जितने भी ग्लेशियर हैं उन सब में बड़ा है कौन? फेंद चेंको। और दूसरा नंबर का जो बड़ा है वो है सियाचिन। उसके बाद हम आते हैं द्रांग द्रुम। हाँ, सियाचिन जो है वो काराकोरम रेंज में है। और कहाँ पर है? ये लद्दाख में पड़ता है। किस राज्य में है? लद्दाख राज्य में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद द्रांग द्रुम ये जास्कर श्रेणी में है। और यहाँ से एक नदी निकली हुई है जिसका नाम है डोडा नदी। और डोडा नदी सहायक नदी है किसकी? जास्कर की सहायक नदी है। और जास्कर किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी की। तो सिंधु नदी की दो सहायक नदियाँ आपने पढ़ी, जास्कर और इधर ये गिलगित। उसके बाद हम आते हैं इधर
ये है सोना पानी ग्लेशियर, ये है आपका पूरी तरह से कहाँ पर, ये है आपका हिमाचल प्रदेश में सोना पानी ग्लेशियर, ये है आपका हिमाचल प्रदेश में सोना पानी ग्लेशियर और हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति ज़िले में है। कहाँ है? लाहौल स्पीति ज़िले में, और जिस घाटी में स्थित है उस घाटी का नाम है चंद्रा घाटी। तो चंद्रा घाटी कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में है। घाटियों का भी आता है कि घाटी कौन सी घाटी कहाँ पर है, तो चंद्रा घाटी कहाँ पर है? लाहौल स्पीति यानी हिमाचल प्रदेश में है, जहाँ पर कौन सा ग्लेशियर है? सोना पानी ग्लेशियर है, ठीक है। और यह पूरी तरह से कहाँ है? काराकोरम रेंज में स्थित है। आगे बढ़ते हैं बंदर पूंछ, ये हम उत्तराखंड की बात करने लगे तो उत्तराखंड में बंदर पूंछ है। यहाँ से कौन से निकलती है? यमुना नदी निकलती है। फिर है गंगोत्री, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है भागीरथी के नाम से। उसके बाद सतोपंथ ग्लेशियर है, सतोपंथ ग्लेशियर उत्तराखंड में। उसके बाद पिंडारी ग्लेशियर है, फिर कफनी ग्लेशियर है, उसके बाद ये मिलाम ग्लेशियर है। मिलाम ग्लेशियर से ये देखिए नदी निकली है जिसका नाम है काली नदी। मिलाम ग्लेशियर के पास से ही ये जो नदी निकली है जिसका नाम है काली नदी, और काली नदी जो है वो सीमा बनाती है किसकी? भारत और नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है ये काली नदी, और आगे चल के या घाघरा के नाम से उत्तर प्रदेश में बहती है। तो उत्तराखंड के प्रमुख ग्लेशियर हैं गंगोत्री बंदरपूंछ, सतोपंथ, पिंडारी, मिलाम और कफनी। मिलाम ग्लेशियर खासकर पूछा जाता है। मिलाम ग्लेशियर पिथौरागढ़ ज़िले में है। कहाँ पर? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले में है मिलाम ग्लेशियर। यहीं से काली नदी का उद्गम होता है, इसी के पास से। उसके बाद आपके सामने है जेमू ग्लेशियर। कौन है? जेमू ग्लेशियर पूरी तरह से कहाँ पर है? सिक्किम में है। और सिक्किम के काराकोरम सिक्किम की कंचनजंगा जो श्रेणी है, कंचनजंगा श्रेणी के पास है, गिरिपाद पे है कंचनजंगा की गिरिपाद पे है। कौन ग्लेशियर? जेमू ग्लेशियर। इसी का पानी तीस्ता नदी के रूप में आगे बढ़ता है और यहाँ कहाँ? ये हमारा बांग्लादेश में आता है, और जमुना जिसका नाम ब्रह्मपुत्र का नाम यहाँ बांग्लादेश में जमुना है, यहाँ से तीस्ता नदी जमुना में मिल जाती है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। कौन? तीस्ता नदी। देखिए ये इस तरह से निकली, जेमू ग्लेशियर से निकली ये तीस्ता नदी, और ये बांग्लादेश में बहती हुई ब्रह्मपुत्र नदी यानी जमुना में बांग्लादेश में जाकर के मिल जाती है। तो जो तीस्ता नदी है वो सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से निकलती है। किसके सहायक है? बांग्लादेश ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक है। कहाँ मिलती है? बांग्लादेश में मिलती है, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा, देखिए पूरब से पश्चिम अगर देखें तो मुख्य ग्लेशियर हैं सिक्किम में जेमू ग्लेशियर, फिर आपका मिलाम ग्लेशियर कहाँ? उत्तराखंड में पिंडारी ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर, गंगोत्री, सतोपंथ, बंदरपूंछ, सोना पानी हिमाचल प्रदेश में, और द्रांग द्रुम लद्दाख में, सियाचिन लद्दाख में, आपका ससायन लद्दाख में, बाल्टेरो, बियाफो, हिस्पार, ये सब लद्दाख श्रेणी में है, लद्दाख में है। तो ये रहे आपके भारत के ग्लेशियर जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, स्टेट और उनके नाम ग्लेशियर का मैचिंग में, और कभी कभी सिंगल भी पूछ देते हैं।